ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने किया था, हमारा तीन चार चीज़ों के बारे में पढ़ा था हमने, और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा था कि हम अगर एक डेटा आइटम, सिंगल डेटा आइटम, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो बुलियन है, बुलियन का मतलब ट्रू फॉल्स, तो हम एक डेटा आइटम को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और फिर हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, चाहे वो बुलियन है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो नंबर है, तो हम उसके लिए अरे इस्तेमाल करते हैं। बीच में एक सवाल हुआ था जी कि हम चूंकि मल्टीपल डेटा टाइप्स को जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है, क्या अरे में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। दो के जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है लेकिन हम ये काम करेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरे इज सपोज टू कंटेन द सेट ऑफ डेटा और द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। फिर हमने ये कहा था जी कि अगर हमारे पास किसी भी रियल लाइफ या रियल टाइम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ना अरे सूटेबल है ना वेरिएबल सूटेबल है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, रिप्रेजेंट सारों को एक नाम से करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बिहाइंड द सीन मेमोरी की एक डायग्राम बना के बताई थी। मैंने कहा था जी कि आप जो कुछ भी कंप्यूटर में टेम्पररीली सेव करना चाहेंगे वो कहाँ जाके सेव होगा, मेमोरी में। अब मेमोरी में जब सेव होगा तो हम मेमोरी में वो डाटा गेट करने यानी एक्सेस करने या मेमोरी में स्टोर करने के लिए उस मेमोरी का एड्रेस हमें याद करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हमने चूंकि कहा था कि एड्रेसेस इतने कॉम्प्लेक्स और मुश्किल होते हैं कि उनको याद रखना ह्यूमन बींग के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मेमोरी की लोकेशन को एक यूजर रीडेबल रीडेबल नाम दे देते हैं। और बेसिकली वेरिएबल का मतलब वही नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी वेरिएबल का मतलब वही नाम होता है जो हम किसी लोकेशन को एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब जब हमने मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो स्टोर कहाँ करना है, मेमोरी में ही करना है ना। तो इसलिए हमने जब पर्सन एक ऑब्जेक्ट बनाया तो स्टोर उसको भी किधर किया, मेमोरी में किया, यानी वेरिएबल में सेव किया। तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबल इन एसेंस एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जो समटाइम क्या स्टोर करेगी, ऑब्जेक्ट, जो समटाइम क्या स्टोर करेगी, स्ट्रिंग, जो समटाइम क्या स्टोर करेगी, अरे, जो समटाइम क्या स्ट्रिंग स्टोर करेगी, नंबर या कोई भी सिंगल डेटा आइटम। यहां एक बड़ी जबरदस्त टेक्निकल बहस है, जिन लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है उनको वो बहस समझ आ सकती है, लेकिन जिनको नहीं आती उनको वो बहस समझ नहीं आ सकती। तो मेरे ख्याल में इस कोर्स में मेजोरिटी लोग वो हैं जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इसलिए हम उस बहस में पढ़ते नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्स में आगे जाके हमें उस बहस की जरूरत जरूर पड़ेगी कि मेमोरी में भी दो तरह की मेमोरी लोकेशंस रिजर्व होती हैं, जिसको हम एक को कहते हैं स्टैक और दूसरी को कहते हैं हम हीप। तो मैंने अभी तक हीप का नाम भी नहीं लिया और ना ही स्टैक का नाम लिया, मैंने सिर्फ क्या कहा जी कि मेमोरी होती है और मेमोरी कंसिस्ट ऑफ कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती है, और कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन का मतलब एक एक बॉक्स, कंजेक्टिव मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं और हर बॉक्स को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। लेकिन अगर आप कभी मेरी गुफ्तगू से हट के किसी और वीडियो को देखें, कहीं इंटरनेट पे कोई हेल्प देखें, तो आपको कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी, स्टैक और हीप। तो मैं जस्ट जनरिकली आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं गए, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ना पता हो। और अगर नहीं पता, और अगर सबको नहीं पता, तो सोने में सुहागा, फिर मुझे समझाना बहुत आसान है। लेकिन अगर बीच में से कोई ऐसा बंदा है जिसको ये पता होगा कि हीप क्या है और स्टैक क्या है, तो फिर वो मुझसे बहुत सारे सवाल कर सकता है। तो मैं उससे अब इस वक्त इस पॉइंट पे माजरत करूंगा उन जवाब के देने में, क्योंकि हम फिर एक और टॉपिक की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, ये हीप क्या है और स्टैक क्या है। और सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए मैं ये जो चीज़ है ना, इसको एक दफ़ा जस्ट ओवरव्यू से गुजार देता हूँ, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाए कि हाँ जी हमें पता है, यानी मुझे पता है कि हीप और स्टैक क्या है। मैं बता नहीं रहा, किसी वक्त आने पे शायद वो आपको जब सूटेबल हुआ तब बता भी दूंगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पे एक बोर्ड ड्रॉ करता हूँ, जस्ट दो या तीन मिनट में इसकी डिस्कशन को मैं समेटूंगा। बुनियादी तौर पे जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं ना, तो डेटा स्टोर करने की हमने तीन शक्लें देख ली हैं, या हम सिंगल डेटा आइटम स्टोर करेंगे तो उस केस में हम उसे भी वेरिएबल में रखेंगे, हम जब कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर करना हो तो रखेंगे उसको भी वेरिएबल में, लेकिन किस फॉर्म में रखेंगे, एक अरे बना के रखेंगे। हमें जब मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन को मेमोरी में सेव करना है तो रखेंगे उसे भी मेमोरी में ही, लेकिन किस फॉर्म में रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे उसको। तो ये सारी बातें हमें पहले से पता है। तो जो मैंने कल डायग्राम ड्रॉ की थी ना कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंजेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स, ट्रस्ट मी कि अगर आप इन चीजों को समझ जाए ना, ये बहुत आसान है। पहली बात, मुश्किल तो है ही नहीं,
आपको कभी जिंदगी में प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है कि आपको ये समझ लगना शुरू हो जाए कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में असल बात वही होती है जो बैकएंड पे चल रही होती है, बिहाइंड द सीन जो इनविजिबल पार्ट होता है इसका, ठीक है। और वैसे भी दुनिया में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इनविजिबल है, ऑक्सीजन नजर आती है आपको, उसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, गॉट इट। तो जितनी इनविजिबल चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उतनी इंपॉर्टेंट चीजें शायद विजिबल भी नहीं है, जितनी गैसेस हम देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनमें से कोई एक भी नजर आती है, सारी इनविजिबल। तो इंपॉर्टेंस शायद ज्यादा उन्हीं चीजों की होती है। बहरहाल, तो जब तक आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा जी बिहाइंड द सीन क्या गेम्स चल रही है, तो आपको प्रोग्रामिंग भी होपफुली, जिन जिनका ये सवाल था सेमिनार में और पहली एक दो क्लासेस में, बहुत सारे लोगों ने भरमार की इन सवालों की, प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, आप समझा लेंगे, मुश्किल है आसान है, तो आप इन टर्म्स को समझें तो आपके सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे आपको। बहरहाल, तो अब अगर मैं ये कहूँ ना लेट ए इक्वल्स टू 90, तो अब आप फौरन समझ जाएंगे यार ये ए जो है ये मेमोरी में एक ब्लॉक का नाम है और 90 जो है वो इसके अंदर पड़ा हुआ डेटा है, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब मैं ये लिखता हूँ तो इसमें थोड़ा सा मसला होगा। अब मसले ही बढ़ाने हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर उनके हल भी बताने हैं। अगर मैं ये इसी ए को बजाय नंबर देने के मैं ये लिख दूँ 20, 30, 40, तो अब मसला ये होगा कि भाई ये तो एक नंबर तो है ही नहीं, ये तो तीन वैल्यूज हैं, तो मेमोरी में क्या है, एक बॉक्स में कोई एक ही डेटा आइटम आ सकता है ना, मल्टीपल डेटा आइटम्स तो नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो तीन चीजें हैं ये मेमोरी भी कितनी लेंगी, तीन ही। अच्छा, मैं इसमें भी फर्दर डेप्थ है कि नंबर कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है वगैरह वगैरह, उस इतनी भी ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, मतलब मोटा मोटा जो आपको समझ आना चाहिए उसमें जा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये कंप्लीट टॉपिक मेमोरी और मेमोरी में स्टोरेज के मैकेनिज्म्स को समझाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट आना चाहिए। अब मैंने तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ यूनिवर्सिटीज में, जिन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी उनको ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट, क्योंकि ये टेक्निकलिटीज उससे रिलेटेड है, लेकिन जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आपके लिए काफी होगा। तो जब ये तीन वैल्यूज हैं तो मुझे पता है कि तीन लोकेशंस रिजर्व हुई या रिजर्व होनी चाहिए या नहीं हुई, कल मैं कन्फर्म बात कर रहा था और आज मैं खुद ही शक में पड़ रहा हूँ कि मेरे ख्याल में तीन मेमोरी लोकेशंस रिजर्व होनी चाहिए। अच्छा, आपने टेंशन नहीं लेनी कि चाहिए का क्या मतलब है। बहरहाल, ये उनके लिए जिनको कुछ ना कुछ समझ होती है, तो बात को यानी ऑब्जेक्शन से बचने के लिए मैं थोड़ा सा मार्जिन रख रहा हूँ। अब अगर मैं यही काम एक और वेरिएबल लूँ और उसके साथ भी कर दूँ, और दिस टाइम यानी वो वेरिएबल मैंने रखा जी पर्सन, ये तीनों एग्जाम्पल मैं कल प्रैक्टिकली करा चुका था ना, तो अगर मैं इस पर्सन में पूरा ऑब्जेक्ट रख दूँ, तो अब सवाल ये है कि ये दोनों तरीके मेमोरी में स्टोरेज के फेल हो गए। यानी जो मेरी अजम्पशन थी कि अगर तो एक वेरिएबल होगा तो एक बॉक्स में स्टोर होगा, अगर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होगी तो मेरी अजम्पशन ये थी कि मल्टीपल कंसेक्यूटिव अरे की डेफिनेशन में ही था, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर होना चाहिए और हर लोकेशन को एक इंडेक्स मिल जाता है यूनिक, जिस इंडेक्स की वजह से हम एक पर्टिकुलर अरे की अकरेंस को पहचान सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि इसको जीरो पोजिशन मिल जाएगी, इसको वन मिल जाएगी और इसको टू मिल जाएगी, तो अब अगर मैं ये ऊपर पोजिशन ना भी लिखूँ विच इज द इनविजिबल पार्ट, और मैं कहूँ जी ए ऑफ वन, आप फौरन जवाब दे देंगे 30। यानी ए अरे और उसकी फर्स्ट लोकेशन में क्या पड़ा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में तो ये रोला पड़ गया। हमने ऑब्जेक्ट के केस में ना तो इंडेक्स पढ़ा, ना ही ये पढ़ा कि एक ही लोकेशन में मल्टीपल वैल्यूज आने के चांसेस कैसे हैं या कैसे पॉसिबिलिटी है। यानी ये एक बॉक्स है मेरा, इस बॉक्स को मैंने नाम क्या दिया। अब आपके ख्याल में पर्सन इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ आई ना, ये सिर्फ घर के बाहर लिखा हुआ एड्रेस है, चूंकि एड्रेस याद रखना मुश्किल था तो हमने उसे नाम दे दिया, नंबर प्लेट लगा दीजिए। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को कहें जी मेरा मकान नंबर है 436 और गली नंबर है 3, तो अगर कोई बंदा 436 और गली नंबर 3 तक पहुंच भी जाए तो फिर भी डाउट में हो यार ये है या नहीं है, तो कंफर्म कैसे होगा, भाई नाम की प्लेट लगा दे भाई यही नाम है। गॉट इट। तो हम नाम तो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो अरे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। अब जो ये जो नाम, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, नेम है, एज है, क्वालिफिकेशन है, कॉन्टेक्ट है, और मैंने कहा था कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है ऑब्जेक्ट में, जितनी आपको चाहिए बना ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहां सारी प्रॉपर्टीज एक बॉक्स में समाएंगी कैसे। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने अभी तक ये बताया कि इट इज अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, वो तो किसकी डेफिनेशन में था, अरे की डेफिनेशन में था। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ना तो वेरिएबल वाले स्टाइल में आ सकता है मेमोरी में, ना ही अरे वाले स्टाइल में आ सकता है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट है, ये जो मेमोरी में डायरेक्ट वैल्यू स्टोर होती है ना, इनको हम बोलते हैं स्टैक। और स्टैक कोई टेक्निकल चीज अगर आपको समझ ना भी आए ना, तो स्टैक के माने में ये भी याद रखने की, अगर मेरे पास चार किताबें पड़ी हो ना टेबल पे और वो चार किताबें इस तरह ऊपर नीचे पड़ी हो, तो मैं क्या कहूंगा, स्टैक ऑफ बुक्स। गॉट इट।
और अगर आप लेट सपोज कोई भी चीज लेयर की फॉर्म में रखे तो आपसे क्या बोलेंगे, क्या ये पाइल ऑफ बुक्स या स्टाइल ऑफ या स्टैक ऑफ बुक्स, तो आप टेक्निकली स्टैक बोल लें। तो स्टैक इज एनीथिंग। अब मुझे ये बताएं कि कोई भी चीज स्टैक की फॉर्म में रखी हो, चार बुक्स पड़ी हो ऊपर नीचे, तो अगर आपको कोई किताब उठानी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी बुक उठानी पड़ेगी, पहली टॉप वाली उठानी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि नीचे से जाके खींच ले तो वो स्टैक ही गिर जाएगा ना, फिर आप तो कहेंगे जी हाँ आप तो कर लेंगे, मतलब हम सारे कर लेंगे कि नीचे वाली खींच ले जी, आप कह रहे हैं ऊपर वाली उठाएंगे तो तभी नीचे वाली निकलेगी, हाल और भी है। आई एम सपोजिंग कि वो साइडों से क्लोज भी है, तो साइडों से क्लोज भी है तो फिर क्या करेंगे आप, सबसे पहले टॉप वाली निकालेंगे, फिर उसके नीचे वाली निकालेंगे, फिर उसके नीचे वाली निकालेंगे, आपको चाहिए सबसे नीचे, तो आप वन बाय वन सबसे नीचे जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, जो लास्ट वाली बुक थी डालते वक्त वो आपने सबसे आखिर में डाली थी, निकालते वक्त सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली वो लीफो को फॉलो करता है, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। खैर, तो स्टैक की फॉर्म में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर होती है नॉर्मली, जितनी भी ये नंबर या स्ट्रिंग, अभी इस बहस में नहीं जाता कौन कौन सी वैल्यू स्टैक की फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन जितनी वैल्यूज के बारे में मैंने अभी तक बताया ना कि वो फिजिकली मेमोरी में जाकर स्टोर होंगी, लफ्ज में फिजिकल यूज करूँ, जितनी वैल्यूज फिजिकली मेमोरी में स्टोर होंगी इसका मतलब वो कहाँ स्टोर हो रही है, स्टैक पे। अब ये स्टैक क्या है आप पूछेंगे, तो स्टैक इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, यानी ये मेमोरी ही है। अब मेमोरी के मुख्तलिफ हिस्से कर लें, एक हिस्से को हमने क्या बोल दिया, स्टैक बोल दी, मेकिंग सेंस। अब सवाल हमारा ये था जी कि हमने ऑब्जेक्ट को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों से तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि मेमोरी का एक और पार्ट भी होता है, मेमोरी की वजह से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इस पार्ट को हम बोल सकते हैं या बोलते हैं हीप, क्या बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपको ऑब्जेक्ट का भी पता नहीं है, सिर्फ आपको कोई पूछे जी हीप और स्टैक क्या, तो आप इस काबिल होने चाहिए कि आपको ये पता है कि हीप क्या है और स्टैक क्या है। तो अभी तक की डेफिनेशन के मुताबिक हीप क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी, स्टैक क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी, दोनों में फर्क अभी जानेंगे। हीप का मतलब क्या होता है वैसे इंग्लिश वोकैबुलरी में, दिखा दूं या बता दूं, बता दूं तो हीप का मतलब बता के मिनी तो बता सकेंगे ना, हीप का मतलब क्या है जी, अब बताएं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा, ये जो ये गूगल भी ना बड़ा सियाना है, गूगल कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग करता है ना। अब हीप चूंकि प्रोग्रामिंग में भी एज अ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है और हीप जनरल लाइफ में भी इस्तेमाल होता है, तो मैंने अभी कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा है आपको कि अंग्रेजी में हीप किसको बोलते हैं, तो आपकी तो माशाल्लाह अंग्रेजी भी बहुत तेज है, फिर आप में से किसी को नहीं पता, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैं ही बता देता हूँ हीप का मतलब क्या होता है। वैसे हम आम जुबान में कहते हैं कूड़े का ढेर, कूड़े के ढेर को हीप नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे हीप हैं, हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ मिट्टी को क्या बोलते हैं, कुछ भी, गॉट इट। तो ये सारे क्या है, ढेर के मानों में इस्तेमाल होता है, सॉइल, हीप ऑफ सॉइल है, बाजू का सीधी अंग्रेजी भी भूल जाती है बंदे को। बरत, तो हीप का मतलब क्या है बेसिकली, ढेर, किसी भी चीज का ढेर। तो स्टैक, तो एक स्टैक किस चीज को कहते हैं, जो चीज एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ी हो। हीप किसको कहते हैं, जो किसी तरतीब में ना पड़ी हो, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ी हो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ या नहीं हुआ, मैं इसका मतलब ये निकाल रहा हूं कि जी हीप एक ऐसा मेमोरी का पार्ट है जहां डेटा बेतरतीब अंदाज में, रेंडम अंदाज में पड़ा होता है, वो किसी खास ऑर्डर में उसका होना जरूरी नहीं होता। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन कहां पड़ी होती है, बेसिकली हीप के अंदर पड़ी होती है। और मैंने हीप के बारे में ना ये बोला है कि हीप इज अ सेट ऑफ कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन, कंजेक्टिव होगी तो वो तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, ना हीप के बारे में ये कहा है कि ये स्टैक है, क्योंकि स्टैक होगा तो वो तो फिर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हीप पे कौन सा डेटा पड़ा होता है, बिखरा हुआ, ढेर की फॉर्म में, क्लियर। तो अब याद रखिएगा कि जब भी हम नंबर या अरेज वगैरह को स्टोर करते हैं, वैसे बाद में चल के मैं एक पॉइंट पे आके कहूंगा कि जी अरे भी बेसिकली हीप पे ही होती है, और ये हो सकता है कि वो अभी इसी डिस्क्रिप्शन में बता दूं, लेकिन फिलहाल आप अरे को स्टैक के साथ मंसूब रखें, मैं खुद बताऊंगा जब, तो ज़ाहिर आपको मजीद क्लियर होगा। तो जब भी आप, यस, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे, फिर मैं बता रहा हूं पर्सन कुछ नहीं है यहाँ पे, पर्सन तो सिर्फ उसको नाम दिया गया है ना, असल चीज क्या है, ये राइट साइड पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज और फंक्शन, फंक्शन तो बताए ही नहीं, तो अभी तक सिर्फ क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज कहाँ स्टोर, यानी अब मैं प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रॉपर्टीज कहाँ होती हैं, स्टैक पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं ना, तो इस पूरे हीप के एक कोने में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, पर्सन है,
आखिरी बात इसके बारे में, क्योंकि मैंने कहा था मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, जा भी रहा हूं थ्योरी में फिर, तो इस हीप पे पड़े हुए डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे? जब ये बेतरतीब है तो इसको एक्सेस करने का भी कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में सेव करते हैं तो वेरिएबल हमेशा क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये डेफिनेशन अपनी जगह कायम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट हीप में स्टोर होता है, तो मैंने कहा था जी बेशक रैंडम अंदाज में हो, बेशक रैंडम अंदाज में हो, लेकिन कोई ना कोई पहचान इसकी होगी, कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी। तो मेमोरी में जो चीज भी स्टोर होती है वो किसी खास एड्रेस पे स्टोर होती है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारी असल चीज एड्रेस है, नाम नहीं है। असल चीज क्या है? तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट ये है, ये हीप में स्टोर होगा। पहले तो कंफर्म हो गई कि ऑब्जेक्ट हमेशा हीप में ही जाएगा। तो इसका मतलब जब ये हीप में स्टोर होगा तो इसका भी कोई एड्रेस होगा इस तरह का। तो अब याद रखिएगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को कोई नाम देते हैं तो उस नाम में एड्रेस पड़ा होता है, फिजिकली वैल्यू खुद नहीं पड़ी होती। पूरा एड्रेस होगा ना, यानी इस एक पर्टिकुलर चीज का पूरा एड्रेस कहां पड़ा होगा? स्टैक पे। तो याद रखिएगा कि मेन मेमोरी में जो भी डेटा फिजिकली स्टोर होता है उसे हम कहते हैं वो स्टैक पे है, और जो फिजिकली स्टोर नहीं होता, फिजिकली कहीं और होता है, उसका एड्रेस स्टैक पे होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिजिकली कहां होते हैं? हीप में। और उनका रेफरेंस कहां होता है? तो इसका मतलब यह है कि इस पर्सन में क्या पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट नहीं। यस, ये बात समझानी है। और अगर आप ये बात समझ गए ना सही मानों में, आपको सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ आ जाएगी। ट्रस्ट मी, जावास्क्रिप्ट का टाइपस्क्रिप्ट क्या, सी शार्प क्या, जावा क्या, सब कुछ। सिर्फ ये बात समझानी है आपको। तो अब आप दो तरह के डेटा टाइप सीखेंगे, एक बाय रेफरेंस और एक बाय वैल्यू। बाय रेफरेंस का मतलब ही समझ गए आप कि भाई इस वेरिएबल में डेटा सेव नहीं है, क्या सेव है? रेफरेंस सेव है। तो रेफरेंस क्या है? एड्रेस है। किसी ने सदर इंस्टीट्यूट में आना हो और उसको एड्रेस ना मिल रहा हो तो वो एक रेफरेंस का सहारा लेगा कि मैं जीपीओ चौक पे खड़ा हूं, यहां से किधर जाना है। तो आपको रेफरेंस देगा कि जीपीओ से सज्जे हाथ जाना है या खब्बे हाथ जाना है, जहां भी है, व्हाट्सो एवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक पर्सन को, यानी पर्सन का वेरिएबल जब किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट खुद नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। ये बात काफी ज्यादा डिस्कस होगी इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं पहले ही क्लियर कर लूं। तो जब भी आप डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा टाइप दो तरह की होती है। डेटा टाइप एक होती है बाय वैल्यू और एक होती है बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू का मतलब है कि डेटा फिजिकली स्टैक पे स्टोर है, और स्टैक क्या है? मेमोरी का पार्ट है। और बाय रेफरेंस का मतलब क्या है? कि उस डेटा का फिजिकल पार्ट कहीं और पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस या रेफरेंस यहां पड़ा हुआ है। ये बात समझ आ गई है? अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं जी कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब मेरे पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सब्जेक्ट समझना है। तो मैंने बड़े बारीक, और मैं इसे कहूंगा बड़े खूबसूरत अंदाज में, ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ना आपको प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा रॉकेट साइंसेस समझनी पड़ेंगी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की रॉकेट साइंसेस समझनी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो आप यूं समझे कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बड़ी सॉलिड फाउंडेशन बना दी। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट स्टोर किस शक्ल में कहां पे होता है वो मैंने आपको बता दी है। तो जब आपको ऑब्जेक्ट समझ आ गया तो आगे उसकी ओरिएंटेशन, उसकी उसी को मुख्तलिफ तरीकों से यूज किया जाता है। आप सवाल पूछें। आप जी जी बिल्कुल, आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरियां हो सकती हैं? एक ही हो सकती है ना। आपने चार रैम चार डिफरेंट स्लॉट्स में लगाई हो कंप्यूटर के लिए, तो भाई वो एक ही मेमोरी है ना। अब देखें मिसाल के तौर पे आपने तीन रैम लगाई है 2-2 GB की, तो आपकी रैम कितनी होगी? 6 GB। तो क्या आप कोई पूछे जी आपके सिस्टम की रैम क्या, तो आप क्या कहेंगे? 2-2 GB की तीन लगी हुई है, ये कहेंगे 6 GB की एक लगी हुई। वो स्लॉट्स तीन होती है एक्चुअली। रैम मैंने कहा था जब मैं लफ्ज मेमोरी बोलूं साथ में प्राइमरी या सेकेंडरी ना लगाऊं तो मेमोरी का मतलब ही क्या होता है? रैम। बस कहानी खत्म। अब वो चार लगी हूँ पांच लगी हूँ, आपकी कंप्यूटर में मेमोरी एक ही है। कंप्यूटर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है ना, कि प्रोसेसर ने बात किससे करनी है? मेमोरी से करनी है। That's it. और ये कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर नहीं, मोबाइल स्मार्ट डिवाइसेस, ये सारी की सारी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी भी होती होती हैं, दो प्राइमरी होती हैं कम्युनिकेशन में। जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेज है उसमें सिर्फ मोबाइल, उसमें सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बाकी स्मार्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक मेमोरी, दोनों मेमोरी होती हैं, इनमें फर्क करने के लिए एक को प्राइमरी कहा जाता है, एक को सेकेंडरी। तो अगर सिर्फ मेमोरी लफ्ज इस्तेमाल हो तो आपने क्या समझना है? रैम। रैम
ठीक है, जब से मोबाइल डिवाइसेज आई हैं तो फिर लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाए यार कितनी मेमोरी है, तो अब वो मेमोरी को क्या समझते हैं, वो रोम वाले को भी मेमोरी समझते हैं, लेकिन आपने बीइंग टेक्निकल यूजर ये नहीं समझना। बहरहाल ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है। ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ होता है जी, हीप में, और जब ऑब्जेक्ट हीप में स्टोर होता है तो वो किसी एड्रेस पे होता है, जाहिर है उसको गेट भी तो करना है, तो उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा हमें, स्टैक पे, तो स्टैक पे उसका एड्रेस मिलने के लिए हमने उसको एक नाम दिया होता है, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं जी कि हमें, अब अगर मैं कहूँ ए में क्या पढ़ा हुआ तो ए में डायरेक्ट वैल्यू पड़ी होगी, अगर मैं कहूँ पर्सन में क्या पढ़ा तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पड़ी हुई, इसमें एड्रेस पड़ा। अच्छा अब जरा एक और बात आपके जहन में आनी चाहिए, ये पर्सन मेमोरी लोकेशन है ना, तो इस मेमोरी लोकेशन का अपना भी एक एड्रेस होगा और इसके अंदर भी एड्रेस पड़ा होगा, बात समझ आइए ना, तो ये बातें नहीं बोलनी, जो बेसिक है वो बेसिक है ही है। तो आज के बाद जब भी मैं बोलूंगा, मैं ये पीछे बिहाइंड द सीन कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ये ऑब्जेक्ट है, तो आपके जहन में सब कॉन्शियसली वैसे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा होगा, हीप पे पड़ा होगा। सर लेट सपोज हमने पर्सन ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को एसेस करना है, तो वो स्टैक में जाके वहां से एड्रेस लेते हो, फिर हीप में जाके वहां से एसेस होता है। अगर सॉरी आप बोल रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सुनने में दुश्वारी हो रही है, अगर दोबारा बोल दें प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ कि लेट सपोज पर्सन नाम जो ऑब्जेक्ट है इसकी किसी वैल्यू को हमने एसेस करना है, तो वो पहले जाकर स्टैक से वो एड्रेस लेते हैं, फिर हीप में आके वो एसेस करते हैं। यस यू आर राइट, अभी मैं उस पे आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ ना, अगर आपको डायग्रामेटिकली समझ आ गई है तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा ये काम करने में। ओके सर, और सर एक क्वेश्चन अरे के रिलेटेड है। जी जी बोले सर, हमने अभी तक जितने भी पढ़ा है कि किसी भी बुक में हम देखे वो कहते हैं कि अरे वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप की वैल्यू स्टोर होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में तो यह डिफिनेशन गलत होता है, क्योंकि अरे में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये क्यों है सर? ये क्यों है? यस सर, सर क्योंकि हमने यही डिफिनेशन हर जगह पढ़ी है कि सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। मैं गेट अप, कल ये फिजिकल स्टूडेंट जो बैठे हैं ना यहाँ, उनमें से एक का सेम क्वेश्चन था और मैंने जवाब दे दिया था, गालिबन आप उस जवाब को मिस कर गए। तो मैंने ये कहा था कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ यही नहीं, जावास्क्रिप्ट में और भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, और भी बहुत सारे पिटफॉल्स हैं, ठीक है जी सर। ये नहीं होना चाहिए था। अब मैंने कल जवाब सिंपली ये दिया कि जावास्क्रिप्ट क्योंकि 10 दिनों में बनी थी, तो 10 दिनों में बनाने के वक्त कोई इतनी बड़ी इसके पीछे प्लानिंग शामिल नहीं थी कि इसमें ये होगा और इसमें ये होगा और इसमें ये होगा। ये तो लकीली जावास्क्रिप्ट की इतनी वाइड अडॉप्शन हो गई कि लोग मजबूर हो गए कि यार इसको भी कुछ करना है, अब इसी को देखना है, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर क्या एक लेयर बनाई टाइपस्क्रिप्ट की, तो टाइपस्क्रिप्ट इस बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ये पिटफॉल समझ लें आप जावास्क्रिप्ट का। जी सर ठीक है जी, और कोई सवाल है तो चले जी। और वैसे मैंने आपको कहा है कि दो जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, हम नहीं करेंगे ऐसा काम भाई कभी भी सर। और एक क्वेश्चन और है इसके रिलेटेड। So, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि अरे भी एक ऑब्जेक्ट है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये बात मैंने उधार छोड़ी हुई है तब तक के लिए जब ये लेवल आएगा। तो जावास्क्रिप्ट में मैं आगे चल के ये भी कहूंगा जो फंक्शन हम बनाएंगे वो भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन को अगर किसी वेरिएबल में सेव करें तो वेरिएबल में क्या आएगा, एड्रेस आएगा। अरे को अगर किसी वेरिएबल में सेव करें तो अरे में क्या आएगा, कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन आएगा। यस, यानी एड्रेस आएगा, फिजिकल वैल्यू नहीं आएगी, फिजिकल वैल्यू कहीं और पड़ी होगी। तो अब आप ये बात समझ लीजिएगा, ये बात बार बार रिपीट होगी, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट तो है ही ऑब्जेक्ट, अरे भी ऑब्जेक्ट, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो इसका मतलब वो फिजिकली कहीं और पड़ा हुआ है, वेरिएबल में क्या है, उसकी एक एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अब आप ये समझें कि नम्स में क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है। ये बात मत भूलिए कि नम्स में ये चीज नहीं पड़ी हुई, ये चीज कहां पड़ी हुई है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये नहीं कहा था कि अभी तक आप अरे को स्टैक पे ही समझें, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं अपनी बात को खुद ही नफी कर दूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है, उस वक्त तक आप रेफरेंस समझे नहीं थे। तो अब आप ये समझें कि ये जो पूरे की पूरी ग्रुप ऑफ वैल्यूज है ना, ये भी कहां पड़ी होंगी, कहीं ये पड़ी होंगी, तो यहां क्या पड़ा होगा, एक ही लोकेशन में उस अरे का एड्रेस पड़ा होगा। अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझेंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि आपको 100% समझ आ रहा होगा कि पीछे क्या चल रहा है, अदरवाइज लोग मिस। जी जी सर, हमने यही पढ़ा था कि स्टैक में जो वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है और हीप में अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, लेकिन अरे तो ऑर्गेनाइज्ड है, उनके प्रॉपर इंडेक्स है, तो फिर वो हीप में क्यों स्टोर होता है। अच्छा, अभी बहुत सारी क्यूज के जवाब ना देना मुश्किल है, क्योंकि मैंने अभी आपको अरेज को भी रखा स्टैक में ही है, लेकिन अभी सिर्फ ये समझाइए कि होता स्टैक में नहीं है,
कट इट, तो अभी अगर सारे क्यूज के जवाब दे दूं तो मेरा मैं इधर ही मतलब उलझ जाऊंगा शायद, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आपको इस टॉपिक को इन डेप्थ समझना है ना तो आपको साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। जी सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन भी हैं और जो फिजिकल भी हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं है, मैं उनको कैसे समझाऊंगी सारी बातें, तो आप इसको प्लीज बेयर अप कर लें। ओके सर, चलें। और मैं आई ट्रस्ट, सॉरी ट्रस्ट मी के इसका जवाब मैं दूंगा कहीं ना कहीं आगे चल के, मेरी अपनी गुफ्तगू में होगा, क्योंकि मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि जबकि 100% मैं क्लियर ना कर दूं चीजों को, लेकिन बस चीजें ऐसी होती है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एनीवेज, सो नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट स्टोर है पर्सन में, तो अब मुझे पर्सन की कोई एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है या नेम को एक्सेस करना है। अगर मैं इस पर्सन को वैसे यहाँ पे लॉक कर दूं या कंसोल लॉक कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा, पूरा का पूरा पर्सन का रिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी पूरे के पूरे पर्सन के अंदर जो चीज पड़ी हुई है वही मिलेगी। तो आप मुझसे अभी ये सवाल कर सकते हैं, सर अगर ये उसी तरह दिखना है जैसे वेरिएबल ट्रीट होता है तो आप हमें इतनी कहानी क्यों समझा रहे हैं, तो मैं ये कहानी समझा रहा हूँ अपना अगला टॉपिक आसान करने के लिए, जिसमें मैं आपको डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन अरे और डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट समझाऊंगा। तो अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट समझें आगे बहुत आसान रहेंगे, वरना मुश्किल होगी। अगर मैं ये पर्सन को एज इट इज कंसोल लॉक कर दूं और यहाँ पे जाके इस पर्सन का आउटपुट देखने की कोशिश करूं, तो व्हाट आई विल बी हैविंग इज, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपको अरे दिखती है, फर्क ये होगा कि इसमें की वैल्यू पेयर में आएगा, अरे जो है वो इंडेक्स की फॉर्म में आती थी। ठीक है, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वही एज 33, नेम यासिर और कॉल MCS। लेकिन अगर मुझे कोई एक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ नेम एक्सेस करना हो, तो आप याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। पर्सन यानी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और डॉट नेम लिख दिया, तो ये जो पर्सन था ये रेफरेंस था कि यार ये सब्जेक्ट को हम रेफर कर रहे हैं, डॉट नेम का मतलब इसके अंदर पड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है विच इज नेम। तो अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेम विच इज इन दिस केस दिस वन। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूं थोड़ी देर के लिए, जिनको नहीं पता कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली कमेंट्स आर जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी पर्पस, उनका एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक, और जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स डालने के दो तरीके हैं, या तो टू टाइम्स स्लैशेस डाल दें, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, या आप यूं कर दें अगर आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, स्लैश स्टैरिक और फिर स्टैरिक स्लैश, तो ये भी कमेंट्स के तौर पर ट्रीट होते हैं। शॉर्टकट की में कीबोर्ड से अगर आप करेंगे शॉर्टकट की के तौर पर, तो आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो वो पूरी लाइन या पूरी सिलेक्शन ऑटोमेटिक कमेंट्स बन जाएगी। ठीक है, पर्सन डॉट नेम में मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ या सिर, तो अगर मैं ये करता हूं तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा। इसी तरह मुझे अगर ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रॉपर्टीज भी देनी है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जो टूल होते हैं ना, ये आजकल के टूल स्मार्ट अनफ है कि ये पहचान जाते हैं उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को खुद ही इम्प्लिसिटली, और वो इंटेलिजेंस में शो करते हैं, ये इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, तो मैं कहूंगा जी एज, तो ये एज आ गया, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट लिखूं तो इसमें जितनी प्रॉपर्टीज है वो कॉल, ये शामिल हो गया। अब मुझे नेम, एज और कॉल, ये तीनों चीजें जो है वो डिस्प्ले होंगी। हम 2 मिनट की अजान की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, सो अब ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो, प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो, मैंने कहा ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं और सिर्फ यही दो चीजें होती हैं, तीसरी कोई चीज नहीं होती। लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको ऑब्जेक्ट में जब इतनी सारी वो चीजें मिलती है ना, तो वो कहते हैं यार इस ऑब्जेक्ट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट में सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट के बिहेवियर। तो बिहेवियर्स को किससे एग्जिबिट किया जाता है, किससे शो किया जाता है? फंक्शन से। तो फंक्शन शो क्या हमने पढ़े नहीं है, तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो दोबारा ऑब्जेक्ट पे आएंगे। अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं और फिर उस फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? अब मुझे आप ये बताएं कि जो आप बार बार लिखते आए हैं कंसोल डॉट लॉग, तो मुझे खुद बताएं ये क्या हो सकता है? कंसोल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, ये तो ब्राउजर में पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो पहले से, जो नेसेसरी मैंडेटरी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स है, वो पहले से बना के, अच्छा उन ऑब्जेक्ट्स में होगी ये दोनों चीजें। कंसोल में भी, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है और कंसोल में भी इन दोनों चीजों में से कोई एक होगी, या फंक्शन होगा या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, या सिर्फ प्रॉपर्टीज होंगी या सिर्फ फंक्शंस होंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। किसी भी ऑब्जेक्ट में ये सिर्फ प्रॉपर्टीज होंगी, किसी भी ऑब्जेक्ट में ये सिर्फ फंक्शंस होंगे, किसी प्रॉपर्टीज में, ऐसा मुझे कोई नहीं पता कि जिसमें सिर्फ फंक्शन ही हो, प्रॉपर्टी जरूरी होती है नॉर्मली, खैर मुमकिन है कहीं आप पाएं, और कुछ में दोनों हो सकते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि जो चीज मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखी है सिर्फ ये क्या है? कंसोल क्या है? शक्ल से पहचान गया, क्यों पहचान गए, कैसे पहचान गए कि इसके साथ क्या लगा हुआ है? तो डॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हम क्या एक्सेस करते हैं? फंक्शन की प्रॉपर्टीज। अभी फंक्शन तो आपने पढ़े, सॉरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, तो फंक्शन तो आपने पढ़े नहीं है ना, तो इसलिए जब फंक्शन पढ़ेंगे तो तब ये ब्रैकेट भी क्लियर हो जाएंगी। ब्रैकेट किस लिए होती है? फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट करती है। ब्रैकेट किस लिए होती है? फंक्शन कॉल को। तो अभी फंक्शन तो आपने ऑब्जेक्ट का पार्ट पढ़े नहीं ना, उसको उस पार्ट को छोड़ दें, कंफ्यूज ना हो। अगर मैं ब्रैकेट ना लिखूं तो कंसोल लॉग क्या बनेगा? ये प्रॉपर्टीज सबमिसिस करते हैं। यस, अब मैं इसे रन करता हूं, मुझे एरर देगा। वो एरर क्यों देगा? नहीं दिया से बड़ी बात है। तो अगर नहीं दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसोल में शायद लॉग नाम की कोई प्रॉपर्टी भी हो। कंसोल में शायद लॉग नाम की कोई प्रॉपर्टी भी हो। मुझे कंसोल के ऑब्जेक्ट का कंप्लीट पता तो नहीं है, क्योंकि कंसोल का ऑब्जेक्ट मैंने तो नहीं लिखा, ये किसने लिखा है? ये ऑलरेडी मौजूद है ब्राउजर में। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि ब्राउजर में पहले से बिल्ट इन मौजूद हैं। अच्छा, अब जरा जो पहले दिन मैंने पहली स्टेटमेंट बताई थी आपको, क्या लिखा था? अलर्ट। आपको ये पता हो या ना हो, अब पता लग जाना चाहिए कि एक, जब हम डॉम पढ़ेंगे ना तो डॉम में बहुत सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट में विंडो जो है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से तो नहीं आया है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? दो चीजें, क्या? प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। बाद लोग मेथड्स बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी उधार छोड़ा हुआ है कि मैं फंक्शन और मेथड में भी फर्क बताऊंगा, तब भी मजा आएगा आपको। लेकिन अभी चूंकि फंक्शन ही नहीं पढ़ा, तो मेथड और फंक्शन में डिफरेंस बताना मकसूद नहीं है। तो विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं ये लिखूं तो अलर्ट क्या हो गया? अभी प्रॉपर्टी है ना भाई, फंक्शन आपको कैसे है? फंक्शन ही, लेकिन मैंने पढ़ाया फंक्शन, मैंने जब ब्रैकेट से नहीं लिखी तो क्या है? ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और मैं ये कहूं कि ये एरर आना चाहिए, पता नहीं एरर आता नहीं है, ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं, बाद में एरर ढूंढ रहे होते हैं, नहीं आता। बहरहाल, तो अब मुझे आप कहेंगे जी आपने विंडो डॉट अलर्ट तो लिखा ही नहीं, आपने तो जब भी लिखा यही लिखा। तो मैंने क्या बोला है विंडो के बारे में? ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ग्लोबल का मतलब ये सबसे सुप्रीम ऑब्जेक्ट है, ये बादशाह जंगल का। तो जंगल का बादशाह, वो एक लतीफा भी है ना कि किसी ने पूछा जी बच्चे से कि शेर जो है वो बच्चे देता है या अंडे देता है, तो बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे ने जवाब दिया जी जंगल का बादशाह जो मर्जी दे, ठीक है। तो विंडो क्या है? ये भी बादशाह है। तो इसका मतलब ये कि विंडो इज द ओनली ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जिसको या जिसकी चीजों को एक्सेस करते हुए साथ विंडो ना लिखें तो फिर भी वो एक्सेसिबल है। लेकिन असल अलर्ट लिखने का पूरा तरीका क्या है? आप विंडो डॉट अलर्ट लिखेंगे, पूरा तरीका ये। इसी तरह जब आप ये अच्छा यूं समझ लें कि मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो जब आप कोई चीज बगैर ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे भी कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट लिखा नहीं जा रहा उसकी कोई रीजन हो सकती है। तो मैंने एक बात बोली है, समझ आई है? जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट।
शुरू बात कहां से की थी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर कहां से की थी, अरे ऑब्जेक्ट है, फिर कहां से की थी, फंक्शन ऑब्जेक्ट है, अब कहां क्या क्या कह रहा हूं, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। अब समझ आई कि मैंने क्यों बोला था कि थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स, ये पिलर्स में से एक भी गिरा तो जावास्क्रिप्ट की इमारत ही गिर गई, तो उसमें ऑब्जेक्ट लीड कर रहा है अभी तक, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे फंक्शन अरेज और ऑब्जेक्ट। बहरहाल ये जी, अब आपको इतनी बात समझ आ गई है कि हम कंसोल डॉट लॉग क्यों लिखते हैं, अब एक्सेप्शंस और मतलब मैं इसलिए अभी ये अपनी बात को हतमी शक्ल नहीं दी, अभी हतमी शक्ल नहीं दी तो इसका मतलब वक्त के साथ साथ तब्दीलियां करूंगा, ठीक है, और उन तब्दीलियों में ये बात भी आएगी आप वाली भी। बहरहाल तो अब आप ये समझ आ गई कि आज से पहले आपको ये समझ नहीं थी कि आप कंसोल डॉट लॉग क्यों लिखते हैं, अब आपको समझ आ गई यार ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट में भी वही चीजें होंगी जो दो हमें कस्टम में अलाउड है, एक होगी प्रॉपर्टी दूसरा होगा, तो ये कंसोल डॉट लॉग चूंकि फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल करते वक्त आप हमेशा ये देते हैं, जब हम फंक्शन समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि कॉल में ये क्यों देते हैं और वो क्यों देते हैं। बरत तो ये बात हो चुकी है जी हमारी ऑब्जेक्ट की, तो अब आपको ये समझ आ गया कंसोल लॉग, अब आपको ये भी समझ नहीं आएगा ये लॉग की ब्रैकेट्स में ही क्यों लिखा है, तो जब आप फंक्शन समझेंगे तो वहां समझेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं या आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, तो ये भी बात समझ, तो यहां तक आप कर लें इसको इंशाल्लाह आगे भी जो है आपकी कामयाबी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अभी आधा हुआ है और मैं इस आधे को छोड़ के अब जा रहा हूं किधर, फंक्शन पे। आधा क्यों हुआ है, क्योंकि फंक्शन ऑब्जेक्ट का पार्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें मिक्स इकट्ठे भी इस्तेमाल हो सकती है, तो इस पर वापस आऊंगा, लेकिन अभी तक ऑब्जेक्ट की कंप्लीट एनाटॉमी, एनाटॉमी समझते हैं ना, बायोलॉजी में कहते हैं किसी चीज के इंटरनल स्ट्रक्चर को, ह्यूमन एनाटॉमी, इंसान जिस्म का अंदरूनी मुताला, तो ऑब्जेक्ट की एनाटॉमी मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है, तो अब मैं इस पे वापस आऊंगा थोड़ी देर में। तो ये तीन तरीके हमने पढ़े हैं जी, किसके, मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के, समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा एक नई चीज समझा दूं आपको, क्योंकि अब आप ऑब्जेक्ट समझ चुके हैं और अब आपको ये भी पता लग गया कि ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं ब्राउजर के कंसोल में और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल, ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट, मैंने क्या कहा कंसोल को हम किस लिए यूज करेंगे, ज्यादातर टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए, तो मैं कंसोल लिख कर चेक करना चाह रहा हूँ कि कंसोल एक, अगर मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या क्या, तो मैं सिर्फ कंसोल लिख के एंटर करता हूँ तो पहली बात क्या पता चली कि ऑब्जेक्ट की निशानी क्या है, वो कर्ली ब्रैकेट्स में होगा। दूसरी बात, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें होंगी, दो ही हो सकती है भाई, या फंक्शन, अब जितनों के सामने एफ लिखे हुए ना वो सारे फंक्शन है, तो इससे यह भी साबित हुआ कि इसमें प्रॉपर्टी, समझ आ गई बात। अच्छा, मैं अगर ये बात कहूं कि प्रॉपर्टी नहीं है तो ये सही भी है और गलत भी है, उसकी वजह की वैल्यू पेयर में क्या आता है, प्रॉपर्टी आती है ना, आप कहेंगे जी आप कह रहे थे प्रॉपर्टी नहीं होती, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन आता है वो भी की वैल्यू पेयर में आता है, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फंक्शन बजाते खुद किस हालत में आ रहा है, प्रॉपर्टी की हालत में आ रहा है, बात समझ नहीं आई, इसलिए कंसोल लॉग के आगे मैंने वो ब्रैकेट्स नहीं डाली थी, एरर फिर भी नहीं आया था, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना, लेकिन उस प्रॉपर्टी की आगे वैल्यू के बजाय क्या है, फंक्शन है, तो अभी जब फंक्शन समझाऊंगा तो फिर बताऊंगा कि प्रॉपर्टी में, यानी ये आपको अगर समझ नहीं है तो थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि कंसोल में किसी चीज को एनालाइज करना है, आप ऑब्जेक्ट है, किसने लिखा है, मतलब मैंने नहीं लिखा, बिल्टन है तो बिल्टन है तो भाई इसके अंदर क्या होगा, या प्रॉपर्टीज होंगी या उससे वायलेट हुई है कोई बात, ठीक। अब मैंने ये एक्सेस किया कंसोल डॉट लॉग, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एरर आना चाहिए, नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस नाम की प्रॉपर्टी तो मौजूद है ना भाई, उसके आगे जो वैल्यू है वो इटसेल्फ एक फंक्शन आ गया, वो कहानी अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए एरर नहीं आया। अच्छा, यही बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, मैं इसको क्लीन करता हूं, मैं यहां लिखता हूं दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा पढ़ा हमने, विंडो, अगर मैं विंडो को एंटर करूं तो पहली बात यहां देख लें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज पड़ी होगी, की वैल्यू, प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एक्सपेंड करूं तो कैन यू इमेजिन, ये इसलिए जंगल का बादशाह है, ये इसलिए जंगल का बादशाह है, इसमें पूरे ब्राउजर की हर तरह की इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में मौजूद होती है, विंडोज में हर तरह की, मतलब मैं ज्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगा आ रहा ही ना हो जाए,
तकरीबन 99% कुछ एक्सेप्शन हो सकती है। तो ये सारी की सारी क्या है, अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टीज, सॉरी ये खुद तो ऑब्जेक्ट है ना, दो चीजें हो सकती हैं, फंक्शंस या प्रॉपर्टीज। अब जरा एनालाइज करें, ये यहां एफ लिखा है उसका मतलब ये क्या है, फंक्शन 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 फंक्शन, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ के दिखाएं जहां फंक्शन नहीं होगा। ये नजर आ रहा है डिवाइस पिक्सल रेशो, तो ये क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। तो अब जब कभी आप एक्सेस करें विंडो डॉट डिवाइस पिक्सल रेशो, तो इसके साथ ये लगाऊं, आप फौरन ना करेंगे, क्यों भाई, आप इतना तो समझ गए ना, देख के समझ सकते हैं यार, इस पे ये नहीं लग सकता, क्यों, कि डिवाइस पिक्सल रेशो प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है, तो ब्रैकेट तो उसके साथ लगाते हैं जो क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। आदि जावास्क्रिप्ट समझ गए आप, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दो कि इतनी डेप्थ में मैं सिर्फ पहले हफ्ते में जाऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, हमारा टॉपिक बेसिकली कुछ और है, लेकिन चूंकि कुछ और जो कि रिएक्ट जो कि वर्चुअल डॉम, उसको समझने के लिए पहले ये सारे कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन अपनी जगह पे इंटैक्ट होंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो समझ आएगी, लेकिन आप उसके अंदर नहीं घुस सकेंगे कि भाई अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा, मुझे आप ये बताएं और कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है, जी बिल्कुल नजर आ रही है, इनर हाइट, इनर विड्थ, अगर आपको ये वाली विड्थ और ये वाली हाइट ब्राउजर की चाहिए, होते हैं कुछ लोग डिफरेंट डिवाइसेस पे उसकी हाइट कैलकुलेट करके डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं एनिमेशन वगैरह, तो वो कैसे करेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये पहले से मौजूद होती है, गॉट इट, इनर विड्थ और इनर हाइट, जब आप पूरे डिजाइन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसको आप कैसे गेट करेंगे, विंडो डॉट इनर हाइट, विंडो डॉट, अब विंडो डॉट के साथ अगर मैं इनर हाइट के साथ ये लगा दूं, तो अब आप मुझे करेक्ट कर लेंगे इस पोजीशन में है कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनर हाइट प्रॉपर्टी है, वैसे भी आपकी हाइट, ह्यूमन की बात करें, आपकी हाइट आपकी प्रॉपर्टी है या आपका फंक्शन है, तो मैंने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम सारी चीजों को फिजिकल लाइफ रियल लाइफ से सिमुलेट करते हैं ना, तो हाइट का भी फंक्शन बन सकता है आपका, तो अब ये सवाल भी कोई नहीं करेगा कि क्या हाइट फंक्शन बन सकता है, तो आपने देख लिया कभी नहीं बन सकता भाई, हाइट आपकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक का मतलब जो नेचुरली कुदरती आपके साथ आती है और ग्रो करती जाती है या कम होती जाती है, दैट हाइट कांट बी कन्वर्टेड टू द फंक्शन, ये भाई ऐसे ही रहनी है मेरे, यार बहुत बहस होगी और बहुत बातें होगी, अब अगर मैं यहां पे लिखूं पर्सन तो क्यों नहीं आया कुछ, अच्छा सॉरी मैं जो दिखाना चाहता था वो शायद आखिरी वाली बात आपको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक बड़ी अजीब सी बात हुई है, अच्छा एक बात ये याद रखिएगा और एक बात ये याद, विंडो डॉट मैं ये काम करता हूँ ये नहीं होता नॉर्मली, मैं बताना ये चाह रहा था कि हम किसी अपने ऑब्जेक्ट को भी विंडो के ऑब्जेक्ट का पार्ट बना सकते हैं, वो बनाएंगे भी और फिर हम ये इस तरह एक्सेस भी करेंगे, समझ आई बात, यानी विंडो का ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो हम किसी अपने ऑब्जेक्ट को बना के अगर विंडो को देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, बस यहां तक समझ आ गई बात जी, तो अब आप अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म कंसोल इनके साथ डॉट आता है तो डॉट क्यों आता है, अब जरा ये सारी बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो अब जरा मुझे ये भी बताइएगा कि यहां अगर मैं लिखता हूं आज का जो क्रक्स है ना पूरे लेक्चर का वो अभी आने लगे, अगर मैं यहां लिखता हूं डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, सर एक ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज या अदर देन ऑब्जेक्ट कोई और यूज करें, यानी एचटीएमएल के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट और व्यू पोर्ट में क्या फर्क है, सर जी हमारा जो स्क्रीन का जो तमाम एरिया वो डॉक्यूमेंट कहलाता है, अच्छा और व्यू पोर्ट क्या है, सर इसका तो पता नहीं, आपको तो पता होगा मैंने बताया हुआ ना चले आप जो बोल रहे हैं ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, यू आर एग्जैक्टली राइट, ठीक है, लेकिन आपको शायद इसकी डेप्थ अब पता चलेगी कि क्यों एग्जैक्टली राइट,
और आपको ये नहीं पता कि व्यूपोर्ट, तो व्यूपोर्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, एचटीएमएल में व्यूपोर्ट बोलते हैं, स्क्रीन का करंटली विजिबल एरिया वो व्यूपोर्ट होता है, और अगर आपके पास स्क्रॉल भी है ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे को ओवरऑल क्या बोलते हैं हम, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्टुअली ज्यादा जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। तो अब आपका जवाब भी सही मान लेते हैं जी कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, यू आर राइट, लेकिन जाहिर है इसके मुख्तलिफ डायमेंशन है। बहरहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट और मैं इंटर करता हूँ, तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया, जब ये एरो आया तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ और भी है, आप इसे एक्सपेंड करें तो ये तो कुछ काम खराब हो गया। और जिन्होंने जवाब दिया था मुझे उनका नाम नहीं पता, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो क्या ऑब्जेक्ट है, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इसके अंदर तो वही चीज होती प्रॉपर्टीज, इसके अंदर तो प्रॉपर्टीज है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई नई कहानी निकल आई है। तो आपकी बात एक एस्पेक्ट से तो ठीक है ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसलिए आपको कहा कि आप फिलहाल ऑब्जेक्ट वाला एस्पेक्ट छोड़ दें, मुझे बताएं और क्या है डॉक्यूमेंट। तो अब समझ आई डॉक्यूमेंट क्या है, नहीं समझ आई, ये जो सामने आपके वाइट एरिया नजर आ रहा है ना जहां पे आपका वेब पेज का डिजाइन अपीयर होता है, ये डॉक्यूमेंट है। इस वक्त इसमें स्क्रॉल नहीं है, ऊपर अप डाउन नहीं कर सकते, तो यही डॉक्यूमेंट है, यही व्यू पोर्ट है। अगर इसमें डिजाइन पूरी वेबसाइट होती ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल भी होता टॉप बॉटम, तो फिर व्यू पोर्ट और होता डॉक्यूमेंट। तो पहले मुझे बताएं ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डॉक्यूमेंट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो हमें क्या रिटर्न करता है, पूरा का पूरा डॉम। ये मैंने आज के लेक्चर का क्रक्स था कि मुझे डॉम समझाना था, अभी पता नहीं इतना टाइम है या नहीं है कि डॉम पूरा समझ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, आई रिपीट, किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉम को रिप्रेजेंट करता है। अब आप पूछेंगे डॉम क्या है, आपको ऑब्जेक्ट की समझ आ गई है ना, अगर ऑब्जेक्ट की समझ आ गई है तो मैं आप डॉम समझाने लगा हूं क्या, आपके पूरे एचटीएमएल में जितने भी एलिमेंट्स है, अच्छा आपको ये पता है एलिमेंट्स और टैग्स में क्या फर्क है, जो एचटीएमएल के कॉन्टेक्स्ट में टैग्स होते हैं ना उन्हीं को हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग एलिमेंट्स, इससे ऊपर भी कुछ होता है लेकिन फिलहाल ये बोल सकते हैं कि उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स बोल रहे हैं। आप जब HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दो ये HTML का लेक्चर नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जरा उसकी इसकी ये इसकी किधर की टूल बार यार, ये मुसीबत है यार, क्लोज करके दोबारा बना ले, चलिए एक और नया इंस्टेंस खोल लेते हैं, हालांकि अच्छा तरीका नहीं है उसका सलूशन ढूंढना चाहिए हमें। बहरहाल जब आप कोई भी HTML का लो जी, अच्छा अब वो हैंड आ गया, ठीक है अब इसे मूव कर सकते, यहां से मेरे ख्याल में कोई हैंड और ये चेंज होते हैं कर्सर वगैरह। बहरहाल HTML जब आप लिखते हैं तो आपको पता है कि सबसे रूट एलिमेंट आपका क्या होता है, HTML, रूट एलिमेंट नहीं, रूट टैग। अब एलिमेंट में इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे जावास्क्रिप्ट का सेंस पता है तो इसी को हम एलिमेंट बोलेंगे, जब ये क्या होगा जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा। इस रूट के अंदर क्या होता है जी आपका, हेड बॉडी, एक आपका हेड होता है और एक आपका क्या होता है, बॉडी। अगर किसी बंदे को ये बोरिंग लग रहा है ना तो मुझ पे यकीन कर लेंगे ये समझ आएगा तो जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी समझ आएगी, वरना आप कहेंगे यार ये तो पता है हमें HTML के अंदर हेड होता है बॉडी होता है सब कुछ होता है, मुझे पता है कि आपको पता है इसलिए मैं HTML डिस्कस करने नहीं जा रहा। तो हेड के अंदर भी बहुत सारे मजीद टैग्स हो सकते हैं, जैसे टाइटल हो सकता है, मेटा टैग्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, तो अभी हमारा हेड कंसर्न नहीं है, हम जरा बॉडी पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है आपका, डायरेक्ट H1 हो सकता है, इसके अंदर आपका UL हो सकता है, इसके अंदर आपका पैराग्राफ टैग हो सकता है, UL के अंदर आपको पता है कि आपका LI हो सकता है, गॉट इट, मल्टीपल LI हो सकते हैं, LI के अंदर आपको पता है कुछ भी हो सकता है, एंकर हो सकता है, एक टिपिकल मतलब वो समझिए कि हमने बार बना रहे हैं इस तरह का। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, जब अब जरा मैं बताने लगा इसकी डेफिनेशन, जब भी हमारे वेब पेज को ब्राउजर रेंडर करता है, जब भी हमारे वेब पेज को ब्राउजर रेंडर करता है तो तमाम के तमाम टैग्स को ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है। ये कौन बदलता है, ब्राउजर, हम नहीं करते कुछ, ठीक है। आई रिपीट, जब भी, अच्छा ये मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ ना, ये लफ्ज का उतार चढ़ाव गलत हो सकता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, कि जब भी हमारा वेब पेज ब्राउजर रेंडर करता है तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब कहेंगे जी हमें तो नहीं नजर आ रहे, आपको कैसे नजर आ रहे हैं,
तो शुरू वाली याद है लेक्चर की पहली बात, बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो नजर नहीं आती, तो आप मुझ पे फिलहाल ट्रस्ट कर ले, मैं साबित भी करूंगा है कहीं। तो आई रिपीट, वेब पेज जब ब्राउजर में रेंडर होता है तो ब्राउजर उस तमाम वेब पेज के एलिमेंट्स या टैग्स को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट्स में। तो ये आ गया, इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग दैट इज इनसाइड एचटीएमएल वो ऑब्जेक्ट में भी बदल चुका है। तो ये सारे के सारे इस ओ से रिप्रेजेंट होते हैं, गॉट इट? इसका मतलब तो ये हुआ, आप मुझे कहेंगे सर इसका मतलब है आप सादा अल्फाज में क्यों नहीं बता रहे कि टाइटल एक ऑब्जेक्ट बन गया, बॉडी एक ऑब्जेक्ट बन गया, एच टी एम एल खुद एक ऑब्जेक्ट बन गया, एच वन एक ऑब्जेक्ट बन गया, यू एल पी एल आई एल आई ए, तो आज अभी के लिए यस ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे क्या हैं ऑब्जेक्ट्स हैं अभी के लिए यस। क्यों? थोड़ी बहुत वेरिएशन आगे चल के आ सकती है लेकिन इन अ ट्रू सेंस यही कॉन्सेप्ट है, यस। फिर अगली बात यह कि इनकी भी क्या होनी चाहिए, समझ आइए ना बात, समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट बनाए किसने, ब्राउजर ने। तो जब ब्राउजर ने ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट किस चीज पे मुश्तमिल होता है, वो भी तो साथ दी होंगी ना भाई, बात समझ आ गई ना? मैंने तो नहीं बनाया ना, मैंने तो किसी एच1 को ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर किया भाई, ब्राउजर ने कहा ये ऑब्जेक्ट है, मैंने मान लिया, मिनो वन मान लिया कि हाँ जी ऑब्जेक्ट है। नहीं अभी आ जाएंगे, ये नहीं आ जाएंगे, यही तो बहस है सारी, अगले चार महीनों में तो यही पढ़ना है, अभी सारा कुछ तो नहीं पता लगेगा, ठीक है? आ जाएंगे ये नहीं आ जाएंगे ये बहस है। बहरहाल तो इसका मतलब अभी के लिए हाँ ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ओ भाई मेमोरी में तो बाद में आएंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है। मैंने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो जितना भी विजिबल पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या आपका, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है बेसिकली, यही तो है नहीं? तो इसका मतलब ये पार्ट भी क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट। अब ये सारे के सारे किस फॉर्म में आ रहे हैं, एक प्री रिप्रेजेंटेशन बन रही है, तो ये क्या एक मॉडल है ना किसी चीज का, गॉट इट? तो मॉडल भी कवर हो गया, मॉडल का एस ट्रू सेंस कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसी पूरे ट्री स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, एक मॉडल की शक्ल बन रही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, समझ आ गई बात? अब उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो सबसे रूट ऑब्जेक्ट है, वैसे तो रूट ऑब्जेक्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो था ना, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के मॉडल का जो रूट ऑब्जेक्ट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, ये। अब अगला सवाल आपने पूछा जी कि इसकी भी प्रॉपर्टीज वैसे ही आ जाएंगी, अगर आप एच वन डॉट करेंगे तो शायद कुछ भी ना मिले आपको, शायद कुछ भी ना मिले आपको, लेकिन ये जो है इसको आप अब HTML नहीं कहेंगे, ये क्या है, DOM representation। ये क्या है बेसिकली, DOM representation। और DOM representation में अगर मैं कह रहा हूं तो मुझ पे ट्रस्ट कर लें कि अभी के लिए आप समझेंगे कि ये क्या है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। वैसे आगे चल के हम इन्हें कभी नोड कहेंगे, फिर नोड की भी टाइप्स हैं, एलिमेंट नोड है, टेक्स्ट नोड है, कमेंट नोड है, एट्रीब्यूट नोड है, तो अभी बहुत सारी कहानियां आनी है, लेकिन अभी तक जितनी बातें बताई है ना उतनी समझ लें, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। तो इसका मतलब ये है जी कि डॉक्यूमेंट अगर ऑब्जेक्ट है तो डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट बनाया किसने, ब्राउजर ने ना, अगेन मैंने तो कहीं नहीं डिफाइन किया कि अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखने के बजाय यहां पे, अच्छा ब्राउजर ने बनाया तो ब्राउजर ने फिर कोई प्रॉपर्टीज और फंक्शन भी तो दिए होंगे ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट लिखूं तो लो डॉक्यूमेंट डॉट के साथ क्या एक्सेस होता है, या प्रॉपर्टीज या फंक्शंस, फंक्शंस, क्लियर? अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन दें तो ये क्या है, अब जरा एक और मजे की बात आ गई, पता है कि लोकेशन की प्रॉपर्टी फिर एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने सिंपल ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ये वाला सिंपल ऑब्जेक्ट, इसमें प्रॉपर्टी का नेम है एज, यहां पे मैं एक और प्रॉपर्टी देता हूं क्या, स्किल्स। क्या अगर मैं यहां पे लिखूं जी स्किल है ना, लेकिन क्या मुझ में एक ही स्किल है, इतना लायक तो नहीं होने यार, मेरे पास मल्टीपल स्किल्स है ना, तो मल्टीपल स्किल्स कैसे आ सकती हैं, या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अगर की वैल्यू में है, स्किल्स भी की वैल्यू में है तो, पर अगर की वैल्यू में नहीं है तो अरे भी आ सकती है ना भाई। अब आप ले लें क्या क्या स्किल्स हैं आपकी, टीचिंग आप बनाएंगे ना, मैं उसके लिए कोई सूटेबल केस ढूंढ रहा हूँ, अभी तो ये केस अरे का बन गया इत्तेफाकन, तो मैंने ये भी बता दिया चलो कि
ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम के अगेंस्ट एक पूरी अरे भी हो सकती है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सिंगल वैल्यू बेस्ड, अच्छा टीचिंग है, प्रोग्रामिंग है, पेंटिंग है, जो कि नहीं है मेरी स्किल बरल है फॉर एग्जांपल, समझ आई बात। अब आपकी कोई और स्किल्स हैं जी, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अच्छा यूज केसेस अब बनते चले जा रहे हैं ना, कौन टैग डिटेल्स हैं, तो कॉन्टैक्ट क्या एक होता है बंदे का, मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो क्या बनना चाहिए, अरे बननी चाहिए। तो अब वो जो कहानियां से पहले सुनाई थी उसका प्रैक्टिकल यूज केस आपके सामने नजर आ रहा है, पहले तो सिर्फ कहानियां थी ना, अरे होती है, और क्यों होती है भाई, इसलिए होती है कि बाज़ औक़ात आपको सिचुएशन को देख कर अंदाजा होता है कि मुझे यहाँ अरे चाहिए या मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट का कोई यूज केस मेरे सामने आ नहीं रहा, लेकिन आप उसको देख लें या सुन लें, किसी स्किल को मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या करेगा, मेरे बाउंड में बाउंड होगा कि मुझे क्या देना पड़ेगा, स्किल वन कौन सी है, टीचिंग, क्योंकि ज़ाहिर मुझे की वैल्यू देनी है ना, स्किल टू कौन सी है, तो यूं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, लेकिन एट इट्स एसेंस एंड एट इट्स बेसिक होंगी इसमें दो ही चीजें। अच्छा आप कहेंगे जी मजीद नेस्टिंग करनी है, स्किल टू में फर्दर मल्टीपल एंट्रीज हैं तो फिर कर दें, ये ले जो जेसन फाइल्स आप कभी देखते हैं ना, तो उसमें इसी तरह के नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, एट इट्स कोर दो ही चीजें होती हैं, की वैल्यू। खैर बहरहाल अब मैं ये बता रहा था, यहां से डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, तो लोकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी, आपको कैसे पता चला, फिलहाल तो ऐसे पता चला, निशानी है कि आगे ब्रैकेट्स नहीं है तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, फिर एक ऑब्जेक्ट है, एंटर करें, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट किसका पार्ट है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और फिर विंडो उससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब देखें जरा डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, और इसके अंदर मुझे होस्ट गेट करना है या एचरेफ गेट करना है, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये कैसे गेट होगा आपको, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट, अब आपको पता चला है बहुत सारी जगहों पे आपको जो डॉक्यूमेंट या जो वेबसाइट ओपन होती है उस वेबसाइट की अपनी यूआरएल चाहिए होती है, कैसे ले सकते हैं हम, इस तरह की बहुत सारी और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। बहरहाल आई विल बी एंडिंग माय लेक्चर टुडे राइट ओवर हियर विद द होप दैट यू ऑनली अंडरस्टूड द ऑब्जेक्ट इन डेप्थ। बाकी आज के लेक्चर में हमने कोई कुछ नहीं किया, बाकी जितनी चीजें थी वो सारी सपोर्टिंग मटीरियल था, हमने सिर्फ किसको एक्सप्लोर किया है और खत्म अभी भी नहीं हुआ, समझ आई ना बात, क्योंकि हमने इसका फंक्शन वाला एस्पेक्ट तो अभी छेड़ा ही नहीं है, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी वाला एस्पेक्ट है, और आई होप के प्रॉपर्टी वाला एस्पेक्ट पूरा हो गया। अगर आपको ये समझ आ गई ना प्रॉपर्टीज कैसे गेट करते हैं, नेस्टेड प्रॉपर्टीज कैसे गेट करते हैं, तो इससे आगे हमने मतलब यही प्रॉपर्टीज है, नेस्टिंग हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो दैट्स प्रीटी मच इट, इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है जी, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो बोल दें, बाकी हम ऑब्जेक्ट को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, जब आप पूरा ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके खुद ही क्लियर हो जाएंगे, आई एम डैम श्योर कि आपको क्वेश्चन बचेगा नहीं इंशाल्लाह। लाइक फिट हालत जी पूछ ले पहले, तो फिर हम ये जो निकल है उनकी कोई क्वेश्चन, गालिब सलमान कुछ बोलने की कोशिश करें, मुझे आई गेस आई नीड टू चेंज माय हेडफोन, ये शायद इशू कर रहा है, वो मैंने कल ट्राई की थी मुझसे हुआ नहीं, वो शायद पूरा सिस्टम मुझे किसी तरह चेंज कर, आप में से किसी को समझ आया कैसे होता है कि आप बोले तो माइक में जाए आवाज और सुने सिर्फ माइक हो जाएगा इससे।